किस पे आपत्ति, किस पे आपत्ति नहीं, सलामत दिया करो। चलो बैठो। और मित्रों, आज मैं आपके लिए 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से कुछ बहुत ही शानदार, बेहतरीन, मनोरंजक, आनंददायक वीडियो लेके आया हूँ। ओम बिरला जो है वो लोकसभा के स्पीकर बन चुके हैं। लोगों ने इनको कुछ शुभकामनाएं दी, खूब बधाई दी। पक्ष विपक्ष सब लोगों ने कहा कि आप जो है संसद के सबसे बड़े सर्वोच्च अधिकारी हैं, आप संविधान के प्रतिनिधि हैं, सब कुछ तरह तरह की बातें उनके सामने कही गई, शुभकामनाएं दी गई। लेकिन जब वो एक बार अपनी कुर्सी पर आसीन हो गए, तो उसके बाद उन्होंने जिस तरह से विपक्ष के सांसदों को रगड़ना शुरू किया है, वो अत्यंत दर्शनीय है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, हालांकि ये वीडियो जो राहुल गांधी का दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें मिक्स की गई हैं, यानी एकदम ओरिजिनल फुटेज नहीं है, लेकिन जो वायरल हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। जरा देखिए एक बार। आइटम नंबर 24, आइटम नंबर श्री राहुल गांधी जी। ये वीडियो कल पूरे दिन पूरे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार वायरल हो रहा है लगातार। फिर देखिएगा दोबारा से। आइटम नंबर 24, श्री राहुल गांधी जी। कमाल है भाई, लोग इतने क्रिएटिव हैं, लोग क्या क्या करते हैं। और दिखाता हूँ आपको, और देखिए जरा, एक बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है। देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, अब देखिए दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों अब इस तरह की इंडिया अलायंस और एनडीए, इस तरह की स्थिति में बहुमत तो किसी को पूरा मिला नहीं। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अब जो है ना असली खेल शुरू होगा प्रोपेगेंडा का। अब हर कोई डाल रहा है वीडियो, डाल रहा है कट करके। अब देखिए एक वीडियो आया राहुल गांधी का, उसमें क्या किया कि राहुल गांधी ने भर्तृहरि महताब से, तो उन्होंने जो भी स्पीकर बैठे थे उनसे हाथ मिलाया, प्रोटेम स्पीकर थे, शपथ लेने के बाद। बाकी पीछे जो दरबान खड़ा होता है उससे भी हाथ मिला लिया। तो इसको जो है बिल्कुल इस तरह से बताया कांग्रेसियों ने कि देखिए क्या गजब है, वाह वाह बहुत बढ़िया। आप जरा वीडियो देखिए कैसे कांग्रेस ने उसको महिमामंडित किया है, और बाद में कैसे उसकी पोल खोली गई है। जरा देखिए पहले वीडियो, ये देखा आपने, तो ये इन्होंने किया था। अब लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले कि कितने महान राहुल गांधी, देखिए सबसे हाथ मिला रहे हैं। आगे देखिए, अभी अभी असली वीडियो क्या है, असली वीडियो ये है। आई राहुल गांधी हैविंग बीन इलेक्टेड, सॉरी वेट अ मिनट, एक्चुअली ये हुआ क्या बताता हूँ आपको। ये जब उन्होंने हाथ ही नहीं मिलाया स्पीकर से, प्रोटेम स्पीकर से, धन्यवाद नहीं दिया उनको, चले आ रहे थे नीचे, तो कांग्रेस पार्टी वालों ने बोला अरे भैया जाके उनको धन्यवाद दे दो यार, तो वो गए वहाँ दोबारा से, तो उन्होंने वहाँ पे दरबान से भी हाथ मिला लिया। अब इसमें मुझे एक चीज़ समझ में आती है, दरअसल राहुल गांधी की नज़र में वो इतने बड़े खानदान से आते हैं कि उनके लिए स्पीकर की इज्जत, दरबार की इज्जत एक बराबर ही है। उनको लगता है सारा सबसे बड़े तो हम ही हैं, बाकी सब तुमसे छोटे ही हैं। एक तो ये है, आप देखिए जरा एक और, ये बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है जो वायरल हो रहा है। ये आगा सैयद करके आए, कश्मीर से आए हैं, और ये क्या है ना कि शुभकामनाएं और बधाई देते देते वो ज्ञान देना शुरू कर दिया, और तब जब ज़बरदस्त फटकार लगाई है ओम बिरला ने। जरा सुनिए एक बार। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पीकर मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप ना बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है, आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे, और इस हाउस में जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी इस हाउस में। आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए, या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा
जब इसी ऐवान में एक मुसलमान एमपी को कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है, आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया? अगर एक एमपी जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में, जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है, आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो, अभी कार्यकाल को देखो उसके बाद टिप्पणी करो। ये बात कर रहा हूं मैं, ये गुजारिश करूंगा सबसे यही स्थिति है। अब जरा देखिए एक और वीडियो है कि संसद के जो माइक होते हैं चलते कैसे, मतलब ऐसे माइक होते हैं कि वो जब आप खड़े होंगे बोलने के लिए तो ऑफ रहते हैं, अच्छा, और चलते अचानक से हैं, क्या है जरा सुनिए इसको भी समझिए। श्री चंद्रशेखर जी, सर स्टार्ट नहीं, ये माइक एक सेकंड रुका करो, एक सेकंड चालू जाएगा। ठीक है सर। सर मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोकसभा के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। सर बहुत सारे सदस्यों ने आपकी तारीफ की। आप जरा देखिए कि ओम बिरला के तेवर क्या है इस समय, जरा तेवर देखिए इनके एक बार। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं वो बैठ जाए करें, ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ये उनका एक पुराना वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है ओम बिरला जी का, इसको भी सुनिए। माननीय सदस्य, आपको समस्या है क्या? आप अगर बार बार उठोगे तो मैं बाहर निकाल दूंगा सदन से आपको। आगे देखिए, पप्पू यादव हैं, निर्दलीय चुने गए हैं, लेकिन घमंड कितना ज्यादा है। भर्तृहरि महताब से किस तरह की इन्होंने बदतमीजी की, इसकी बहुत निंदा हो रही है, जरा देखिए। आप बहुत ज्यादा ना, 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम, यू नॉट टेल मी बताइए। भर्तृहरि महताब जो है वो कितने बेचारे पोलाइट होकर के बात कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल गुंडे वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं तो निर्दलीय। और यही व्यक्ति पप्पू यादव, आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान रो रहा था, टिकट ना, कांग्रेस के टिकट के लिए रो रहा था, आरजेडी के टिकट के लिए रो रहा था, और बाद में रोते रोते कह रहा था कि हमारे साथ पर धोखा हो गया, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, और जब जीत के आ गए, अरे निर्दलीय जीत जीत के आ गए तो ऐसे भौकाल कर रहे हैं कि आप निर्दलीय जीत के आए, हम तो 4 बार, और तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हाँ तुम्हारी है, इस तरह की बातें कर नहीं करनी चाहिए। और देखिए जरा इसके बाद अलावा, तो कुल मिला के मित्रों कहने का जो मतलब है, आशय है, वो ये है दरअसल कि भाई स्थितियां जो है वो ये हैं कि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जो भोकाल टाइट कर रहे थे जब कांग्रेस पार्टी के समर्थक, अब भोकाल टाइट करने का वक्त आ गया है मोदी सरकार का, मोदी 3.0। ओम बिरला जी अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं और ओम बिरला जी अब बताएंगे सांसदों को कि किस तरह से जो है संसद चलती है, किस तरह से संविधान का पालन होता है, सब कुछ समझाएंगे। और अगर ज़्यादा उसमें भी कोई अगर बवाल काटेगा, हंगामा करेगा, तो उसको बोलेंगे भाई गेट आउट, बाहर करो। तो अब आप सारे विपक्ष स्वीकार कर लिया है कि वो विपक्ष में बैठे हैं, उनको जीत नहीं मिली है, तो जो सारे कांग्रेस पार्टी के चाटुकार हैं उनको भी अब समझ लेना चाहिए भैया कि हार गए वो, उनको जीत नहीं मिली है। आपके इस पर क्या विचार है मित्रों, आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।